that the radius of the right circular cylinder, if that the radius of the right circular cylinder of greatest curved surface area, greatest curved surface area का मतलब क्या है कि जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो curved surface area है, greatest curved surface area मतलब maximize करना, ठीक है, बढ़ाना उसको, maximize करना. अच्छा, और greatest curved surface area which can be inscribed in a given cone, मतलब cone के अंदर, और क्या बोला है, which can be inscribed in a given cone. इन अ गिवन कोन का मतलब है कि कोन के जो डायमेंशन है वो दे रखे हैं. अब कोन के डायमेंशन को आप कुछ भी मानिए, लेकिन वो गिवन की कैटेगरी में आएंगे. गिवन की कैटेगरी का मतलब क्या है कि उनको हम कॉन्स्टेंट मानेंगे, ठीक है, क्योंकि कोन चेंज नहीं होगा. विच कैन बी डिस्क्राइब इन अ गिवन कोन इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन, ठीक है. अब दोबारा से सुनिएगा, क्या है कि प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया विच कैन बी डिस्क्राइब इन अ गिवन कोन. और इसके अंदर हमने एक सिलेंडर बनाना है, एक्सप्रेशन नहीं है तो बनाएं किसको, मतलब फंक्शन कैसे बनाएं वो देख लें. देखिए क्या बोल रहे हैं, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, देखिए यहाँ पर रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू half of that of the cone, half r, ये कोन के रेडियस का आधा होगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर. और कब आधा होगा, जब ये सिलेंडर इस कोन के अंदर इंस्क्राइब करा जाए, और जब इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या हो, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट यानी कि मैक्सिमम, ठीक है. मुझे किसको मैक्सिमाइज करना है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया किसका, कोन का नहीं, सिलेंडर का, ठीक है, क्योंकि कोन गिवन है, यानी कि कोन के जो डायमेंशन हैं वो चेंज नहीं होने वाले, वो फिक्स होने वाले हैं. अब है क्या कहानी, हम क्या देखना चाह रहे हैं, ये जो सिलेंडर है क्या ये एक ही तरीके से बनाया जा सकता है सिलेंडर, तो हम ये कहेंगे नहीं नहीं अलग अलग तरीके से, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाओ तो ये सिलेंडर थोड़ा पतला बन जाएगा, इसको थोड़ा नीचे ले जाओ तो सिलेंडर जो है ये थोड़ा सा फैल जाएगा, इसका डायमीटर और थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा. तो सिलेंडर इसके अंदर कितने टाइप के बन सकते हैं, कोन के अंदर बहुत सारे, इनफाइनाइट टाइप के, अलग 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 रेडियस लेते चले जाओ, ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स के बन सकते हैं. लेकिन मुझे
वो कौन उस सिलेंडर को बताना है जिस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम। अच्छा अब ये ए बी सी डी ई एफ ये लिखने का हमारा पर्पज़ क्या था, हम यहाँ पर ये कहेंगे, लिखेंगे पहले लेट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर बी स्मॉल आर यूनिट्स, लेट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर बी स्मॉल आर यूनिट्स एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर बी स्मॉल एच यूनिट्स, लेट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर बी स्मॉल आर यूनिट्स एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर बी स्मॉल एच यूनिट्स। ये है। अच्छा जी, जब इतना है अब क्या करेंगे इसमें, अब हम ये कहेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, एक बड़ा बड़ा ट्राइंगल ले लीजिए ए डी ई ए डी एफ सॉरी एंड ट्राइंगल ए डी एफ, ठीक चाहो तो इसके अंदर मार्किंग कर दो, ये कैपिटल आर हो गया और ये जो बी सी है ये क्या हो जाएगा स्मॉल आर हो जाएगा, ये जो ए बी है सॉरी ए बी बाद में आप समझ लोगे करोगे ठीक है ना, और आप भी सारे बच्चे करेंगे जिनको भी जो भी मैथ्स का प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे उनको दो तीन क्वेश्चन एक बार दो या तीन क्वेश्चन आपसे हो जाए खुद से बस, फिर उसके बाद आपका मन करेगा कि मैं करूँ क्वेश्चन से, ऐसा होता है ठीक है, थोड़ा सा कोशिश कर सकते होगा। चलिए तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी एफ, शुरुआत में दो तीन क्वेश्चन देखकर ये लगेगा कि यार तो हर क्वेश्चन अलग सा लग रहा है ना, मेरे से तो होगा ही, ट्राई करेंगे पक्का होगा। ऐसे ही आपको याद होगा टेंथ क्लास में ट्रिग्नोमेट्री होती थी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज शुरुआत में लगता था ज़्यादातर बच्चों को मुश्किल लगती थी है ना, लेकिन फिर जब दो बार तीन बार प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छी लगने लगता है वही। चलो तो मैं देख रहा हूँ ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी एफ, ये तो हम इसमें क्या करेंगे, वेरिएबल हमारे पास याद रखिएगा, वेरिएबल हमारे पास क्या है स्मॉल आर और स्मॉल एच, कैपिटल आर और कैपिटल एच वेरिएबल नहीं है, ये गिवन है ठीक है। अच्छा जी, तो ट्राइंगल ए बी सी में तो ये वाला एंगल एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए एफ कॉमन एंगल, दूसरा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी एफ इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री के इक्वल है, सो वाई डबल ए सिमिलैरिटी वाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी एफ, ठीक है इतना हो गया ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स को सिंगल प्रूव कर दिया। सिंगल क्यों प्रूव कर दिया, हम हमेशा क्या करना चाहते हैं क्वेश्चंस में कि जो हमारे पास ना अननोन वेरिएबल्स हैं उनको हम नोन जो टर्म्स हैं उनके टर्म्स में निकालना चाहते हैं, उनके टर्म्स में निकालना चाहते हैं। तो जरा देखिएगा हमारे पास ए बी सी और ए डी एफ सिमिलर आ गया, बस दो ही एंगल इक्वल होते हैं तो ट्राइंगल तो सिमिलर हो गए ना, जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो क्या कहेंगे भाई उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है, तो ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है बी सी, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट डी एफ, बी सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू इसका पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है ए सी और इसका पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है ई एफ, ये हो गया। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं पर्पस बताता हूँ अपना, हमारा जो प्रोसीजर है इनको क्वेश्चन को करने का, चाहिए जो दो लाइन का क्वेश्चन है ना आएगा पाँच मिनट का ही है ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि हमारा जो पर्पस है, हमारा पर्पस वही होता है कि एक फंक्शन बनाएं, फिर फंक्शन को फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, फिर उसके जीरो के बराबर रखें, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालें, फिर डबल डेरिवेटिव निकालें, फिर डबल डेरिवेटिव को ग्रेटेस्ट प्रूव करना मतलब मैक्सिमाइज करना,
डबल डेरिवेटिव शुड बी लेस देन जीरो, ठीक है, वो करना है। ये पूरा हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारे को जो अननोन वेरिएबल है इनको नोट के टर्म्स में निकाल देंगे, ठीक है ना। तो अब जरा देखिए क्या करेंगे, ये ए बी अपॉन ए डी, दो ट्रायंगल हमने सिमिलर प्रूव कर दिए, और अब जो जो वैल्यूज मेरे पास हैं वो डाल दूंगा यहाँ पर। ए बी कितना है, ए बी मुझे मालूम है पूरा तो टोटल एच है, ये स्मॉल एच है, तो ए बी कितना हो जाएगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन ए डी, हाँ जी ए डी ऊपर से लेकर नीचे तक, ए डी कैपिटल एच इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी एफ। देखिए बी सी है स्मॉल आर और डी एफ पूरा है कैपिटल आर, तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, और इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ। ना तो मुझे ए सी पता ना मुझे ए एफ पता, मुझे जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप यहाँ से ऐसे कर दीजिए एच अपॉन एच माइनस स्मॉल एच अपॉन एच इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, वन माइनस स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। अब ये करने के बाद में मुझे क्या निकालना है, मुझे स्मॉल एच और स्मॉल आर की रिलेशन निकालना है। कैपिटल एच कैपिटल आर तो गिवन है, उसकी टेंशन मत लेना, वो कॉन्स्टेंट्स होंगे, जो गिवन है ना वो कॉन्स्टेंट्स होंगे, मतलब उनका डिफरेंशियल जब हम करेंगे तो वो जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो मुझे कैपिटल एच स्मॉल एच और स्मॉल आर का रिलेशन निकालना है, तीन चार लाइन छोड़ दो, तीन चार लाइन छोड़ दो, ठीक है। और तीन चार लाइन छोड़ने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं उस चीज़ पर आता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, क्या करना चाहते हैं कि इसका सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ग्रेटेस्ट प्रूव करना है, यानी कि मैक्सिमाइज करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दो चार लाइन छोड़ दी, सी एस से ऑफ सिलेंडर, सी एस ऑफ सिलेंडर एरिया बोल दो, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, टू पाई आर एच, टू पाई आर एच, ठीक है, ये हो गया टू पाई आर एच, ठीक। अच्छा तो अब क्या है कि आप चाहे आप आर को निकाल दो एच की टर्म्स में, या एच को निकालो आर की टर्म्स में, मैं क्या करूँगा, मैं एच को निकालूंगा आर की टर्म्स में, क्यों, क्योंकि मुझे प्रूव क्या करना है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस क्या है, स्मॉल आर, मुझे स्मॉल आर प्रूव करना है, तो मैं स्मॉल आर की टर्म्स में निकालूंगा एच को, तो स्मॉल एच को स्मॉल आर की टर्म्स में निकालूंगा, तो कैसे हो जाएगा, माइनस एच अपॉन कैपिटल एच स्मॉल एच निकाल दिया स्मॉल आर की टर्म्स, इसको मुझे इक्वेशन करो और कैपिटल ए एरिया टू पाई स्मॉल आर, तो स्मॉल आर है एच की जगह ही आ गया स्मॉल एच की, कैपिटल एच इंटू वन माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, कितना हो गया, ठीक है। अब आगे देखिएगा, ये टू है कॉन्स्टेंट, पाई है कॉन्स्टेंट, कैपिटल एच कैपिटल आर कॉन्स्टेंट, उनसे कन्फ्यूज मत होना। तो वेरिएबल के नाम पर केवल एक चीज़ बची स्मॉल आर, केवल एक चीज़ बची स्मॉल आर, ठीक है। क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दो, ए इज इक्वल टू टू पाई आर कैपिटल एच टू वन पाई आर कैपिटल एच या ये माइनस, अब इस पूरे टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टू पाई आर स्क्वायर, टू पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच अपॉन कैपिटल आर। अब ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, ए इज इक्वल टू मैं लिखूंगा टू पाई कैपिटल एच स्मॉल आर, स्मॉल आर को बाद में लिखूंगा ऐसे माइनस ब्रैकेट लगा दिया, लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हो जाता है खुद को ही, तो मैं करना क्या चाह रहा हूँ, देखिएगा दोबारा। अब इसमें क्या करेंगे, स्मॉल आर है मेरी अगर पास, तो स्मॉल आर को जरा सा अलग थलग कर देंगे, ठीक है। तो टू पाई एच अपॉन कैपिटल आर ब्रैकेट में डालो, यहाँ लिख लो स्मॉल आर स्क्वायर
इसको नोडल इक्वेशन बट ये फंक्शन मिल गया मेरे पास, तो ये फंक्शन में वेरिएबल क्या है? जैसे वेरिएबल अभी तक जो क्वेश्चन करे उनमें वेरिएबल क्या होता था? एक्स होता था, ठीक है। अब अगर कहीं पर स्मॉल रेडियस है, ठीक है, तो आर हो जाएगा वेरिएबल, कहीं पर हाइट है तो एच हो जाएगा वेरिएबल, कहीं किसी पर लेंथ है तो एल हो जाएगा वेरिएबल, ये चीज़ है। तो इसलिए मैंने क्या करा, इस स्मॉल आर को और इस स्मॉल आर स्क्वायर को अलग कर दिया, क्योंकि ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स लिखी हैं सब कॉन्स्टेंट्स हैं, ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब जब मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा, अगर किसी बच्चे को पहली बार में नहीं समझ में आ रहा दोबारा पूछो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि अभी मैं आपको कराऊंगा, आप घर पर जाओ ब्लैंक हो जाओ दोबारा देखना, तो वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल है ब्लैंक होना, तो लेकिन सोचना कि नहीं भाई कैसे हो पाएगा, है ना, नहीं आ रहा है, ये तो हो ही नहीं पाएगा, तो गिव अप मत करना, एक बार दो बार तीन बार भी कोशिश करनी पड़ सकती है, चैप्टर है थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। और वो सभी के साथ होगा, कुछ बच्चे होंगे जो ऐसे ही कह देंगे क्या कुछ नहीं है, कर लिया मैंने, ये तो आता है, उसने भी कुछ नहीं करा होगा, वो भी ऐसे ही बोल रहा होगा, तो याद रखिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है भाई। ये चैप्टर का टोटल तो मालूम है कि ये वाला जो पोर्शन है पाँच मालूम इस वजह से नहीं है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, बेचारे घट घट कर इतनी सी रह गई। चलिए अब करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर, तो डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू, ये जो टू बाई एच है ना, ये कॉन्स्टेंट है, टू रिमेन एज इट इज, ठीक है। और जो आर है, आर का आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, मतलब जैसा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल का होता है, तो हो गया, ठीक है। सिमिलरली माइनस टू साई एच अपॉन कैपिटल आर टू रिमेन एज इट इज, और जो स्मॉल आर स्क्वायर है इसका डिफरेंशियल कितना हो गया, टू आर, ठीक है। सर ए वाई भी ऐसे ना, ना, ना ए वाई में धोखा हो जाता है, सबको लगता है यार एप्लीकेशन और डेरिवेटिव से तो बड़ी मुश्किल छूटे, अब एप्लीकेशन और इंटीग्रल को बेहद आसान, वो बेहद आसान। इसके बाद अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल लगेगी, एक तो धोखा रहता है, जो नाइन्थ में करा, टेंथ में करा, इलेवन में करा, प्रॉबेबिलिटी बड़ी आसान है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉबेबिलिटी है, प्रॉबेबिलिटी ज़रा सोचने पर मजबूर करती है, ठीक है। लेकिन ट्रिक बताऊँगा आपको, पक्का दिक्कत नहीं होने वाली, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, कैसा भी ले आना क्वेश्चन। अच्छा, उसके अलावा जो है इनडेफिनिट इंटीग्रल, ये थोड़ा सा इनडेफिनिट इंटीग्रल इंटीग्रेशन वो परेशान इस वजह से करेगा, क्योंकि उसमें ना इलेवंथ क्लास के पाप सामने आएंगे, इलेवंथ क्लास के पाप, हमने ट्रिग्नोमेट्री ऐसे ही कर लिया था, हम ट्रिग्नोमेट्री को अब भूले बैठे हैं, फर्स्ट से लेकर इलेवंथ तक के मैथ्स के पाप, थोड़ा ये भी मत। चलिए तो डी ए बाई डी आर यहाँ तक बता दिए, यहाँ तक समझ गए, ठीक है, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन लास्ट। अब क्या करते हैं कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको जीरो के बराबर रखते हैं, तो लिखेंगे पुट डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो, पुट डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो, यानी कि टू बाई एच माइनस टू बाई एच अपॉन कैपिटल आर इंटू टू आर टू जीरो। यहाँ से टू पाई एच इधर भी और टू पाई एच इधर भी कॉमन आ रहा है, टू पाई एच कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, वन माइनस टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो टू पाई एच है, टू पाई एच इधर जीरो के नीचे चला जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो गया, वन माइनस टू आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू जीरो। इसको इधर गया, वन इज इक्वल टू टू आर अपॉन कैपिटल आर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, टू आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू आर बाई टू, स्मॉल आर इज इक्वल टू आर बाई टू, ये वैल्यू आ गई, ये तो प्रूव करना था, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये स्मॉल आर कैपिटल आर बाई टू, मतलब अगर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर बाई टू के इक्वल है, हमारा कर्व सर्विस एरिया ग्रेटेस्ट आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए, बस डबल डेरिवेटिव निकालना है, और फिर कह देंगे कि हाँ ये क्रिटिकल पॉइंट है, इसी तरह मैक्सिमम आ रहा है, क्योंकि इतना ही करना, ठीक है। जरा देखिएगा अब क्या करेंगे, जो डी ए बाई डी आर है लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन थ्री विद रिस्पेक्ट टू आर, जैसे आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन थ्री को, है न,
क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी आर को फिर से आर के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये हो जाएगा डी स्क्वायर ए बाई डी आर स्क्वायर, ये हो गया। तो फिर टू पाई एच लिखा हुआ है, पहला जो टर्म होगा तो टू पाई एच है, कॉन्स्टेंट ही है पूरा, उसका तो डिफरेंशियल जीरो, ठीक है, ये तो हो गया जीरो माइनस। अब अगला है टू पाई एच अपॉन आर और उधर टू, ये भी पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट है, तो क्या हो जाएगा फोर पाई एच अपॉन आर, ये हुआ। और केवल स्मॉल आर है, स्मॉल आर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया डी स्क्वायर ए बाई डी आर स्क्वायर एट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई टू, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई टू, ये लिखना होता है, इसलिए लिख रहा हूँ, नहीं तो आपको दिखाई दे रहा है कि डबल डेरिवेटिव में कहीं पर स्मॉल आर है ही, तो स्मॉल आर की वैल्यू आर बाई टू में डाल हुआ था, रखने के लिए है ही नहीं कुछ, तो सिर्फ दिखाना होता है इसलिए दिखा रहा हूँ। माइनस फोर बाई एच अपॉन कैपिटल आर, फोर भी एक पॉजिटिव नंबर, फाइव भी एक पॉजिटिव नंबर, हाइट भी पॉजिटिव होती है, आर भी पॉजिटिव होता है, तो ये पूरा जो रेशो है ये पूरा पॉजिटिव होगा, लेकिन उसके आगे नेगेटिव लगा हुआ है, तो ये पूरा नंबर क्या हो गया, नेगेटिव नंबर, ठीक है, नेगेटिव नंबर मतलब लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब मैक्सिमम। सो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई टू इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई टू इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ये मैक्सिमम का पॉइंट, ठीक है। क्या पूछ रहे थे, टू दर द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर प्लस ये हो गया। इसके बाद लास्ट में एक लाइन लिख देना, एक्स द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, ऑप्शन में से ये कोण दिया हुआ है, इसके अंदर हमें सिलेंडर इंस्क्राइब करना है, ऐसा इंस्क्राइब करना है कि जो उसका कर्व सरफेस एरिया हो वो उसके कोण के इंस्क्राइब करने के हिसाब से मैक्सिमम हो, और जो कोण का रेडियस हो वो उल्टा हाफ हो सिलेंडर के रेडियस, सिलेंडर का रेडियस कोण के रेडियस का हाफ, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई टू, अगर ऐसा हो रेडियस का हाफ, हां हां ठीक है ना, ये करो इस हम ने क्या करा था, मैं इसे दोबारा सुन, बहुत बढ़िया बात है आपने ये दोबारा से। अब देखो क्या है, क्वेश्चन बिल्कुल सही समझ रहे हो, क्वेश्चन यही है कि हमको एक कोण दे रखा है, कोण पहले कोण है हमने गिवन कोण, तो अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में बोल दिया ना गिवन कोण, गिवन स्फीयर, गिवन रेक्टेंगल, कुछ भी अगर गिवन लिखा हुआ आ गया तो समझ जाना कि वो आपको दे रखा है, और वो आप इसे चाह रहे हैं कि आप ही कुछ अज्यूम कर लो, वन टू थ्री फोर कुछ भी अज्यूम कर लो। तो आपने मान लिया कि कोण क्योंकि गिवन है तो कोण का रेडियस होगा कैपिटल आर, कोण का हाइट होगा कैपिटल एच, हमने दोनों चीज़ें अज्यूम कर ली, ठीक है। अगर मुझे ज़रूरत होती तो मैं कोण की जो स्लैंट हाइट होती है ना स्मॉल एल, तो वो भी अज्यूम करता, अगर ज़रूरत पड़ती तो पड़ती ही है ज़रूरत है। अब हमको इसके अंदर एक सिलेंडर बनाना है, और सिलेंडर कुछ इस तरह से बनाना है कि सिलेंडर जो है उसका एरिया मैक्सिमम, जितना बड़े से बड़ा सिलेंडर बन सके वो बनाकर देखो। तो अब एक एक करके तो बनाकर देखेंगे नहीं, तो डेरिवेटिव्स का जो ये फंडा है, इस फंडे से मेरे को ये पता चल गया कि मेरे पास दुनिया का कोई भी कोण दे रखा हो, कोई भी कोण दे रखा हो, और मैं उसके अंदर बड़े से बड़ा सिलेंडर इंस्क्राइब करना चाह रहा हूँ, तो बड़े से बड़ा सिलेंडर तभी इंस्क्राइब हो सकता है जब उस सिलेंडर का रेडियस कोण के रेडियस का आधा हो, ठीक है, वो तभी उसके अंदर पूरा इंस्क्राइब हो सकता है, पूरा फिट हो सकता है उसके अंदर, ठीक है। वो चीज़ प्रूव करके दिखानी है, तो देखिए जो चीज़ गिवन है उसके डायमेंशंस को आपने कैपिटल आर कैपिटल एच मान लिया, और इट विल बी ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट, है ना, जो गिवन है वो कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा। हमें प्रूव करना है आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई टू, ठीक है, व्हेन द एरिया व्हेन इट्स कर्व सरफेस एरिया इज मैक्सिमम। अब क्या करें, अब हमने ये देखा कि अच्छा तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमाइज करना है, इसका सिलेंडर का, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दिमाग में आया टू पाई आर एच होता है, ठीक है, टू पाई आर एच होता है, टू पाई आर एच होता है, तो यार यहाँ पे दो बिल्कुल बना लें आर और एच, तो आर और एच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। अच्छा मैंने आपको ये ना दो चार लाइनें छोड़ने के लिए बोला था बीच में, इनको पहले छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं एच को आर के टर्म्स में निकालना है या आर को एच के टर्म्स में निकालना है। ऑब्वियस सी बात है एच को ही आर के टर्म्स में निकालेंगे, क्योंकि आर इज इक्वल टू आर बाई टू प्रूव करना है। हमने क्या करा, ये दोनों ट्राइंगल को सिंपल प्रूव कर दिया कोण के क्वेश्चन में, ठीक है, ये सिमिलैरिटी वाला फंडा यूज होता है, ठीक है। तो आपने सिमिलर कर दिया ये दो, ये एंगल कॉमन है, ये एंगल है, ये सिमिलर होगा, सिमिलर से ये रेशो है, ये रेशो तो समझ में आ गया, ठीक है। और इस रेशो में ये भी कहानी समझ में आ गई होगी कि स्मॉल एच इसके बराबर है,
इसमें तो कुछ नहीं पता, अब वापस आ रही है। अब कर्व सरफेस एरिया को मुझे मैक्सिमाइज करना, ग्रेटेस्ट प्रूव करना। तो ग्रेटेस्ट कैसे प्रूव करेंगे, पहले ये निकाला 2 पाई आर, स्मॉल आर के टर्म्स में चाहिए तो स्मॉल एच की वैल्यू डालते हैं, कैपिटल एच 1 माइनस स्मॉल आर पर कैपिटल आर, अब एक्सपेंड कर दिया 2 पाई आर एच इंटू 1, तो 2 पाई आर एच माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन कैपिटल आर। दिमाग में एक चीज़ क्लियर रखेंगे कि वेरिएबल था क्या, वेरिएबल था स्मॉल आर, तो स्मॉल आर को थोड़ा सा अलग हटाकर लिखेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अच्छा, तो 2πh अलग कर दिया, स्मॉल आर अलग, 2πh अपॉन कैपिटल आर अलग कर दिया, स्मॉल आर स्क्वायर अलग कर दिया। डिफरेंशिएशन करने में खुद को ही आसानी लगी है, डी ए बाई डी आर पर क्योंकि वेरिएबल आर है और 2πh कॉन्स्टेंट नहीं है, तो क्या आर का डिफरेंशिएशन है, 2πh अपॉन कैपिटल आर कॉन्स्टेंट रहा और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ, इसको बोलते हैं फर्स्ट टाइम। फिर इसको जीरो के बराबर रखेंगे और स्मॉल आर की वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी माय क्रिटिकल पॉइंट, स्मॉल आर की वैल्यू निकालेंगे। तो ये रखा, यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर में, ठीक है। इसको कुछ बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, समझ में। अब क्या करना है, इक्वेशन 3 जो है फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको फिर से डिफरेंशिएट करा आर के तो प्रूव नहीं हो पाता, तब ये समझ जाओगे फिर हमने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ किया, फिर रुक जाना दोबारा से चेक करना, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन का आगे ऐसे प्रूफ करता हूँ जो प्रूफ करना है क्रिटिकल पॉइंट आएगा, वही आएगा और एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा, एक ही आएगा, ऐसे क्वेश्चन में ये दिमाग में रखना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए दूसरा भी आ जाता है क्रिटिकल पॉइंट, तो वो ऐसा आएगा कि जैसे निकालना तो रेडियस है वो नेगेटिव आ गया, हम कहेंगे रेडियस का नॉट नेगेटिव, तो उसको तो वैसे ही ड्रॉप कर देना, वो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा। अच्छा, डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू आपका फर्स्ट डेरिवेटिव वाले को फिर से करा, हमें डी स्क्वायर बाई डी आर स्क्वायर, ये तो 2πh बचा, मतलब आर है बस स्मॉल आर वही वेरिएबल है, तो ये तो जीरो हो गया, ठीक है। 2πh अपॉन कैपिटल आर इंटू 2, ये पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट, तो स्मॉल आर बचा हुआ है, स्मॉल आर का डिफरेंशियल 1, ठीक है। तो ये वन हो गया और ये नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा मैक्सिमम, मतलब हमारा कर्व सरफेस एरिया ग्रेटेस्ट ही निकलेगा जब स्मॉल आर कैपिटल आर बाई डी पर होगा, बस समझ गए। चलिए जी, इसके बाद जरा देखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन एफ, एग्जांपल नंबर 27 पर आ जाइए। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होती है, कि हम लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम को निकालेंगे ही निकालेंगे, साथ में जो क्लोज इंटरवल दे रखा है उसकी जो सबसे छोटी वैल्यू है और सबसे बड़ी वैल्यू है उस पर भी वैल्यू निकाल कर देखेंगे कि कहाँ पर मैक्सिमम और कहाँ पर मिनिमम है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 27 देखिएगा, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन एफ गिवन बाय, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन एफ गिवन बाय, सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा,
स्क्वायर माइनस 15 और x स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x प्लस 36 और x का डिफरेंशियल 1 और प्लस 1 है लास्ट में उसका डिफरेंशियल तो 0 होता है। अब इसको सिंपलीफाई हो गया, अब इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर सर। वैसे ऑन इंटरवल क्या मतलब? हाँ, ऑन द इंटरवल, ऑन का मतलब ये कि ऑन का मतलब इस पर भी चेक करेंगे और इस पर भी चेक करेंगे। इन अगर आ जाएगा हमारा आपने क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं दे रखे, क्रिटिकल पॉइंट्स तो मैं निकालूंगा, ठीक है। अब क्या पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं ना कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू तो हम देख चुके हैं, ठीक है। लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स पर आती है, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम का मतलब ये है कि इस रेंज में सबसे बड़ी वाली वैल्यू और सबसे छोटी वाली वैल्यू भी एक बार रखकर देख लेंगे। अगर वो वैल्यू ज़्यादा आ रही होगी ना तो हम कहेंगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू वो है, ऐसा करें। कम आ रही हो तो उसको छोड़ देंगे, लोकल वाली लोकल वैल्यू वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। वैसे सब निकाल सब निकाल। तो अब जैसे ये एफ डैश एक्स हमने निकाल दिया, इसको दो दो, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन दे रखी थी इसको इक्वेशन वन दो, इसको टू दे दो, है ना। और आप लिखेंगे लेट अस पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स प्लस 36 इज इक्वल टू जीरो, स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये इधर चला जाएगा तो 0 अपॉन 6 0 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ट्रांसमिटिव वैल्यू माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 होता है, माइनस 3 टू माइनस 2 प्लस का 6 होता है। इधर x ले लिया कॉमन, राइट में बचा x माइनस 3, इधर माइनस 2 ले लिया कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x minus 3 into x minus 2 is equal to 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, दो वैल्यूज आ गई 3 और 2, ठीक है। तो एक तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, ठीक है, और एक मैं 1 पर और 5 पर भी निकाल रहा हूँ, तो सब पर वैल्यू निकाल रही है इसकी, ठीक है। और सब वैल्यूज जो आएंगी उनमें देखना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो वो मेरे लिए एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी, और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, बस ये। तो नया कुछ नहीं है, नया बस यही है कि जो ये रेंज दे रखी है इस रेंज में सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू एक बार निकाल देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1 36 प्लस 1 इज 37 37 प्लस 2 इज 39 39 माइनस 15 39 माइनस
24 बड़े दिनों बाद हिंदी निकली है वैसे मैं तो भूल ही गया था बड़ी गलती थी। चलिए जी अगला एक ये क्रिटिकल पॉइंट टू भी आया है F2 क्या हो जाएगा 2 × 2 का क्यूब
14, 15, 16, चार ये वर्ड प्रॉब्लम्स 13, 14, 15, 16 हो जाएंगे, इसमें मुश्किल नहीं आएगी, नंबर्स वाले हैं 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16 ये करना। एग्जाम्पल नंबर 28 देखिए, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन एफ गिवन बाय, तो एग्जाम्पल 28 हो जाएगा, हो जाएगा बताओ, देखते बताओ हो जाएगा, तो मैं छोड़ एग्जाम्पल 28 देखो, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी हो जाएगा तो छोड़ देते हैं, करिएगा चलो ये बताएंगे, ठीक है ये होमवर्क है ये करना है, ठीक है पहले यही बता देना मेरे को जहाँ पर अटकुआ, ठीक है उसके बाद, ठीक है।